तो आंगनवाड़ी के लिए हम लोगों ने जो प्रस्ताव रखा गया था उसमें जहाँ तक है सुनवाई हुई थी और गड्ढा भी खुद गया था, कहीं की मशीन भी आई थी, उसके बावजूद ग्राम वासियों ने उस पर स्टे लगा दिए, मतलब ना कर दिए कि यहाँ पे ये नहीं होगा। यहाँ पे केंद्र कमरा तो दो हैं, पर कमरा इतने साइज से एक कमरे में सामान रखा है इसमें, और दूसरा कमरा है ना उसमें बच्चे बैठा दिए, उस बच्चे में है ना बच्चे है ना रेस्ट रूम में 60 बच्चे हैं, तो वो बच्चे आ जाते हैं 60 बच्चों को इकट्ठा एकदम बैठा नहीं सकते इसमें, क्योंकि खाना खिलाने में हमें दिक्कत आती है, यहाँ पे बैठ भी नहीं सकते बच्चे, या कोई किशोरी बाल का भी आया है तो वो भी नहीं बैठ सकती, कोई किसी को जहाँ एक और महिला एवं बाल विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य है 6 वर्ष के बच्चों का सही टीकाकरण करवाना, बच्चों को नियमित पोषण आहार देना और प्राथमिक शिक्षा देना। वहीं इसमें उलट ग्वालियर जिले के मुरार ब्लॉक में 11 वर्षों से आंगनवाड़ी भवन न होने के कारण आंगनवाड़ी सामुदायिक भवन में लगाई जा रही है, जिसके कारण गांव में शादी या कोई कार्यक्रम होने के कारण उस दिन आंगनवाड़ी बंद रखना पड़ता है, जिससे बच्चों को रेगुलर पोषण आहार नहीं मिल पा रहा है। आंगनवाड़ी के लिए एक पर्टिकुलर बिल्डिंग नहीं है यहाँ, तो थोड़ी सी भीड़भाड़ की स्थिति जब बन जाती है, जैसे गांव भी बड़ा है, हितग्राही भी जब ज़्यादा आ जाते हैं ऊपर, और आंगनवाड़ी के जो बच्चे हैं वो भी आ जाते हैं, तो थोड़ा बच्चों को प्रॉब्लम होती है बैठने में, जो आंगनवाड़ी में खेलना कूदना जो चीज़ रहता है पढ़ाई वो सब उसमें डिस्टर्बेंस होता है। मैं वीडियो देखने वाले लोगों से अपील करती हूँ कि आप हमारे परियोजना अधिकारी के मोबाइल नंबर पर, जिनका मोबाइल नंबर 9977440077 है, इस नंबर पर कॉल करके इन पर दबाव बनाएं ताकि आंगनवाड़ी भवन बन पाए।